Focus. Ideate. Innovate. Enable. R.R. Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave. Powered by News 18 Network. R.R. Kabel presents CNBC Awaaz 14th Real Estate Awards and Conclave ke West Zone Edition ke पहले भाग में हमने देखा कि कैसे देश के दिग्गजों ने रियल एस्टेट के महत्वपूर्ण पहलुओं और फायर सेफ्टी पर चर्चा की। आइए इसके दूसरे भाग में गुजरात के गृह मंत्री से जानते हैं गुजरात लगातार क्यों है तरक्की की राह पर और आखिर कौन बने वेस्ट जोन के सरताज। और अब वक्त है आज की शाम के चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने का, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के शाम की मुख्य अतिथि श्री हर्ष संघवी, होम मिनिस्टर, एमओएस, होम एंड इंडस्ट्रीज, यूथ, स्पोर्ट एंड कल्चर, गुजरात सरकार का। मैं अनुज सिंगल जी और श्री गोपाल काबरा जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। फोर्टींथ सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव में वेस्ट जोन से पधारे हुए मेरे सभी भाई और बहनों का मैं गुजरात की धरती पे स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में सीएनबीसी ग्रुप से पधारे हुए श्री अनुज सिंगल जी, श्री विपिन भट्ट जी, श्री लक्ष्मण रॉय जी, आरआर केबल के श्री गोपाल काबरा जी, आरआर पार्कोन के श्री राजेश काबरा जी, श्री महेश काबरा जी, श्री गुलाम जिया, आप सभी का मैं गुजरात की धरती पे दो हाथ जोड़ के वंदन करके आपका स्वागत करता हूँ। हमारे गुजरात की एक कहावत है कि भगवान तू मारी एक प्रार्थना स्वीकार के सपना नू एक घर मारू भी होए। इसका मतलब ये होता है कि भगवान तू मेरी एक प्रार्थना स्वीकार के सपने का एक घर मेरा खुद का भी हो। भारत और भारत के नागरिक, उनके लिए घर ये मात्र रहने की एक जगह नहीं है, घर भारत के सभी नागरिकों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ सबसे पहला सपना कोई परिवार अगर देखता है तो वो सपना होता है कि खुद का एक घर बने। भारत देश के सभी नागरिकों का अपना एक घर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों को पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वो सपना ये देश का पूर्ण करने में आप सभी बिल्डर्स का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। LIG हाउसिंग्स हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, ये सभी स्कीम्स के माध्यम से देश के करोड़ों परिवारों को पक्की छत भी मिली, उनके सपने भी साकार हुए हैं। हम लोग ने कई सोसाइटीज़ में सर्वे किया, वो सर्वे एक तो सामान्य तौर पे जो सोसाइटीज़ एकदम पैक्ड डोर सोसाइटीज़ है, जहाँ पे सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं मिलने जुलने का त्यौहार या वो मौसम नहीं रहता, और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी जो आप जैसे बिल्डर्स जो वो साइट को क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, छोटे कॉमन प्लॉट का इलीगल उपयोग नहीं करके वो कॉमन प्लॉट को वहाँ के लोगों के लिए छोड़ लेते हो, वो सोसाइटीज़ और नॉर्मल सोसाइटीज़ जिसमें कॉमन प्लॉट बिल्डर्स ने उसको ब्लॉक कर लिया है, वहाँ के फैमिलीज़ को खेलने के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, ये दो सोसाइटी के बीच में बहुत ही बड़ा फर्क हम लोग ने एक सर्वे में प्राप्त किया। जो सोसाइटीज़ जो बिल्डर्स अच्छी सोसाइटीज़ बना के देते हैं, जहाँ पे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एनक्लेव सब खुला रखते हैं, वहाँ के बच्चे हैप्पीली कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं, और जो बच्चे जो सोसाइटीज़ में ये सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती है वो बच्चे कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ही जल्द जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सोशल एक्टिविटीज़ से बहुत दूर रहते हैं।
आज आप सभी लोग जो बाहर से पधारे हुए हैं वो अहमदाबाद की धरती पे हैं। यही अहमदाबाद अगर कुछ सालों पहले अगर आप देखते तो आज का रिवर फ्रंट जो आपको दिख रहा है वो रिवर फ्रंट आज आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन सालों पहले ये रिवर फ्रंट पे कैसी झुग्गी बस्तियां थी। वो झुग्गी बस्तियां हट के आज जो रिवर फ्रंट बना है वो रिवर फ्रंट अहमदाबाद की शान जरूर से बना है, लेकिन जो झुग्गी बस्ती में जो परिवार रह रहे थे उनका भी जीवन स्तर हमने किस प्रकार से ऊपर लाया है, उनको भी पक्के मकान में कैसे शिफ्ट किए, उनके परिवार की लाइफ क्या बदली है, वो भी ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के साथ साथ जरूर से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि मात्र ये प्रोजेक्ट अच्छा बन गया है इतना ही नहीं, लेकिन वहाँ जो लोग रह रहे थे उनकी भी लाइफ अपस्केल करने में गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को गुजरात के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़रूर से स्टडी करने चाहिए। गुजरात ये सपनों की धरती है और जिन जिन लोगों को सपने साकार करने हैं उन्हें ज़रूर से गुजरात में आना चाहिए। यहाँ पधारे हुए सभी व्यापारी बंधुओं का मैं गुजरात में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और CNBC को मैं आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हर्ष सांघवी जी, जो आपने आज हमारे सामने इतनी ज्ञानवर्धक बातें रखी हैं। अब मैं स्टेज पर एक बार फिर से सांघवी जी को बुलाना चाहूँगी और साथ में मैं बुलाना चाहूँगी अनुज सिंघल जी को कि वो मंच पर आएं हमारे चीफ गेस्ट के साथ एक फायर साइड चैट करें। थैंक यू सो मच। तो सर, ये आपने जो बात की रिवर फ्रंट की, मैं अहमदाबाद कई बार आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में एक सिटी का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैंने कोई देखा तो अहमदाबाद है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं वाकई में ये बात कह रहा हूँ। मैं 15 साल पहले जब अहमदाबाद आया था और आज जो मैं अहमदाबाद आया हूँ, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्या हुआ अहमदाबाद में जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया? देखिए, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पर स्वच्छ भारत का एक सपना देखा और देश के सभी नागरिकों ने इसमें बहुत ही सहयोग किया। गुजरात का एक बिल्कुल अलग तरीका रहा है हमेशा। हम कोई भी मिशन मात्र सरकार नहीं चालू करती है, हम एज एन टीम गुजरात के तौर पे गुजरात के नागरिक और सरकार साथ में मिलके कोई भी विषय को शुरुआत करती है। फिर से एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि अहमदाबाद में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो मात्र सरकार का अचीवमेंट नहीं है, ये अहमदाबाद के लोगों ने साथ में मिलके सरकार के साथ ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। और आने वाले दिनों में मैं ये मान रहा हूँ कि इसको और अच्छी तरह से और बेहतर सफाई और स्वच्छ अहमदाबाद आपको देखने मिलेगा। तो क्या यही, अगर मैं बाकी की गुजरात की सिटीज़ में जाऊँगा तो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कल्चर मुझे वहाँ भी देखने को मिलेगा, सिर्फ अहमदाबाद तक रिस्ट्रिक्ट नहीं? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि धीरे 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 ये कल्चर मुझे गाँवों में भी दिख रहा है। कई गाँवों में जहाँ पे सरपंच अपने आप समाज के लोगों को, गांव के लोगों को साथ में रख के अपने गांव को साफ सफाई करवाना, छोटे मोटे सैनिटेशंस के इश्यूज है उसको क्लियर कर रहे हैं, ये छोटे छोटे विषयों में मैंने देखा है कि अब ये आप एक मुहिम बन गई है। सर, ये सिर्फ अब अहमदाबाद तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये जो आपने रिवर फ्रंट इतना ब्यूटीफुली डेवलप किया है वो बाकी सिटीज हैं जैसे राजकोट, सूरत? नहीं, आपको वडोदरा, मतलब मैं इसके लिए ही बोल रहा हूँ कि आप अहमदाबाद तक सीमित मत रहिए, आप कभी सूरत विजिट कीजिए। सूरत के कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ध्यान में भी होंगे, सूरत डायमंड बोर्स जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट सिंगल कॉमर्शियल सेंटर बना है, जहाँ पे आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा हीरा बाजार जो अब तक कई और जगहों पे उसका कैपिटल माना जाता है लेकिन वो सूरत डायमंड बोर्स बनने वाला है, वो पेंटागन से भी बड़ा है। और उसकी एक और खासियत है जी, यहाँ पे जितने बिल्डर्स बैठे हुए हैं उनको उसका स्ट्रक्चर जरूर से देखना चाहिए। वो स्ट्रक्चर क्या है, 1, 2, 5, 10 बिल्डर मिलके तो आपने इमारत बनाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी 5400 बिल्डर एक साथ हो और बाद में एक एसोसिएशन बने और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बने, वो गुजरात में ही पॉसिबल है सर। मैं देखना चाहूँगा, मैं सोच रहा हूँ एक शो किया जाए वहाँ। यू मस्ट विजिट,
बिल्कुल, तो अगला आना ही चाहिए और आप देखोगे तो गुजरातियों की ताकत आपको अंदाजा आ जाएगा। नहीं नहीं, वो तो खैर मुझे दिखाई देती है। नहीं, मैं इसको पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ CNBC को तो ज़रूर से स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 5, 10, 25, 50 बिल्डर्स आपने एक साथ काम करते हुए देखा होगा, लेकिन 5400 बायर्स पहले सरकार से जगह खरीदते हैं, फिर डिज़ाइन बनती है, प्लान बनता है, प्लान रखते हैं, और उसके बाद वो बिल्डिंग मात्र 3 साल के अंदर पेंटागन से बड़ी बिल्डिंग वो इमारत खड़ी हो जाती है और आज वो दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेंटर बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे PPP प्रोजेक्ट्स अगर आपको सही तौर पे देखने हैं तो आप सूरत के कई रोड्स देखने आइए। डस्ट फ्री रोड्स सही तौर पे, इतने किलोमीटर लंबे डस्ट फ्री रोड बनाना वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे सरकार के साथ साथ लोग भी प्रोएक्टिवली काम करते हैं, उसके कारण गुजरात के अंदर डेवलपमेंट बहुत ईजीली पॉसिबल है। बिल्कुल, वैसे जो आपने बात कही, मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। CNBC ग्रुप ने एक पहला गुजराती चैनल CNBC बाजार, देश का पहला और इकलौता गुजराती चैनल है, गुजराती बिजनेस चैनल। आपको पता चल गया होगा हम लोग हिंदी में थोड़े कमज़ोर होते हैं। वो कहते हैं बिजनेस की मातृभाषा गुजराती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी एक वो खोला हुआ है। तो लेकिन फिर सवाल वही है कि ये गिफ्ट सिटी आगे जाकर क्या पोटेंशियल रखता है कि फाइनेंशियल कैपिटल बन जाए देश का? कई सालों से लोगों के प्रश्न सुनते आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट सिटी अपने आप वो जवाब दे रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल हब आज भी है, लेकिन आने वाले दिनों में वो सही तौर पे फाइनेंशियल हब होगा और देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी ही होगा। चलिए, गिफ्ट सिटी की और क्या खास बातें हैं और क्या डेवलपमेंट होगी गिफ्ट सिटी में आगे जाते हुए जो अब तक ऑलरेडी हो चुकी है? खास तौर पे फिनटेक के लिए तो आप जान ही रहे हो बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल, लेकिन गिफ्ट सिटी में अब सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे लिए है वो रेसिडेंशियल और खास तौर पे इवनिंग लाइफ वहाँ पे कैसे डेवलप हो पाए, जिसके कारण कॉरपोरेट है, IT सेक्टर्स है, वो सभी लोगों के कहीं ना कहीं वहाँ पे सबसे बड़ी जो कंप्लेंट्स हमारे पास जो आ रही है वो यही कंप्लेंट है, और उसका भी सॉल्यूशन आने वाले दिनों में ज़रूर से अच्छी तरह से आएगा। और गेमिंग सेक्टर है, रिक्रिएशन जोन है, उसका भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से और तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइमों में इवनिंग लाइफ वहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप होगी। रियल एस्टेट अहमदाबाद का बहुत क्विकली डेवलप हुआ है, मेरे ख्याल से शायद पिछले 5-6 सालों में यहाँ पे सब डेवलपर बैठे हैं, शायद सबसे फास्ट रिटर्न अहमदाबाद में ही आया है। तो क्या अभी, लेकिन क्या अब अहमदाबाद आउट ऑफ पॉकेट बन गया या फिर अभी भी आपके हिसाब से वो उतना नहीं आया? आप अहमदाबाद को अगर अच्छी तरह से समझिए होगे तो अहमदाबाद का रिंग रोड एरिया जो है, आप अहमदाबाद देखिए, एक बाजू गिफ्ट सिटी है तो एक बाजू सानंद है, थोड़े दूर जाओगे तो धोलेरा है, इस बाजू जाओगे तो अमूल से लेके आनंद के बेल्ट से यहाँ पे आओगे, अहमदाबाद चारों ओर से डेवलप हो रहा है। तो ये तो अभी शुरुआत है, यही समय है, सही समय है। अच्छा सर, अब अवार्ड्स का टाइम आ रहा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या रीज़न रहा है कि गुजरात में आपकी सरकार लगातार चुन के वापस आती रही है? देखिए, मोदी जी से एक चीज़ हर एक बिजनेसमैन को ज़रूर से सीखना चाहिए। मोदी जी चुनाव जीतने के बाद के दिन से ही लोगों की सेवा का काम वापस चालू कर लेते हैं, वो दूसरे चुनाव की राह नहीं देखते, और वही कल्चर से आज भी गुजरात के सभी मंत्री और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। दूसरा एक विषय कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, यहाँ के लोगों की सरकार है। हमने हमेशा लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए, लोगों के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग ने एक ऐसे कल्चर में काम किया है कि जहाँ लोगों के लिए काम करना है, लोगों के तकलीफ़ों में खड़ा रहना है, सोशली कहीं ना कहीं लोगों को सहयोग करना है, उनकी लाइफ किस प्रकार से सुधर पाए उसके लिए काम करना है, तो हम यही विचारधारा से काम करते आए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसा मैंने आपको बोला, मैं जल्दी आऊँगा गिफ्ट सिटी, और आप अगला इंटरव्यू आपका मैं अब गिफ्ट सिटी से करूँगा।
थैंक यू सो मच। जरूर से अच्छी तरह से होस्ट करूंगा और गुजराती का मीठा खाना भी खिला लूंगा। बिल्कुल, मैं गुजराती खाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. Now, ladies and gentlemen, the moment has arrived. अब वक्त आ गया है उस लम्हे का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आरआर काबिल प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज 14th रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव वेस्ट जोन बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट के पहले विजेता हैं। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल, द विनर इज लोधा पलावा उनो एचओ लोधा ग्रुप। इस ही कैटेगरी में अगले विजेता हैं। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल, द विनर इज साई वर्ल्ड लेजेंड पैराडाइज ग्रुप। मूविंग ऑन, बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट के अगले विजेता हैं। In the category of Best Residential Project, Affordable, the winner is Joyville Virar, Shapurji Palanji Group. अनुज जी, काबरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजेताओं को अवार्ड्स देने के लिए। अब मैं अगले सेट ऑफ अवार्ड्स देने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवास के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट जी को और आरआर पार्कॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश काबरा जी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अगला सेगमेंट है मिग सेगमेंट। ये कैटेगरी शहरों की हाउसिंग डिमांड्स को पूरा करने वालों में से एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इस कैटेगरी के पहले विजेता हैं। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड, द विनर इज रुनवाल ब्लिस रुनवाल ग्रुप। इसी कैटेगरी में अगले विजेता हैं। In the category of Best Residential Project, Mid, the winner is Pristine Greens, Phase 2, Pristine Properties. Best Residential Project में अगला सेगमेंट है मास हाउसिंग और इस कैटेगरी के विजेता हैं। In the category of Best Residential Project, Mass Housing, the winner is Panvelkar Estate, Rockford, Panvelkar Group. और अब रुक करते हैं Best Residential Project के अगले सेगमेंट यानी कि Luxury सेगमेंट की ओर और इस कैटेगरी के पहले विजेता हैं। In the category of Best Residential Project, Luxury, the winner is Water Lily, Adani Realty. विपिन जी, राजेश काबरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अवार्डीज को सम्मानित करने के लिए। अब अगले सेट ऑफ अवार्ड्स को देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और मिहिर पटेल जी को। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में अगले विजेता हैं। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी, द विनर इज अमर लैंडमार्क अमर बिल्डर्स। अब बारी है बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अगले सेगमेंट यानी कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की। ये कैटेगरी एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई आबादी को केटर करने वाले कुछ एक्सक्लूसिव स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट को पेश करती है और इस कैटेगरी के पहले विजेता हैं।
in the category of Best Residential Project, Ultra Luxury. The winner is Lodha Seamount, Lodha Group. अगली अवार्ड देने के लिए मैं शिव गोपाल काबरा जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी फिर से। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है और इस कैटेगरी में अगले विजेता हैं। In the category of Best Residential Project, Ultra Luxury, the winner is Rustamji Elements, Rustamji. और अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो है बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अवार्ड वेस्ट जोन के कुछ चुनिंदा रिटेल प्रोजेक्ट्स को सम्मानित करता है जिन्होंने बेहद नायाब और इनोवेटिव रिटेल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इस कैटेगरी के विजेता हैं। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट द विनर इज पलेडियम द फीनिक्स मिल्स लिमिटेड। लक्ष्मण जी एंड श्री गोपाल काबरा जी, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। अगले सेट ऑफ अवार्ड्स को देने के लिए मंच पर मैं एक बार फिर से अनुज सिंगल जी को बुलाना चाहूंगी। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की ओर जो है बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट, एंड द फर्स्ट विनर इन द बेस्ट कमर्शियल कैटेगरी इज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट The winner is Surat Diamond Bus, SDB Diamond Bus. और इसी कैटेगरी में अगले विजेता हैं। In the category of Best Commercial Project, the winner is One Lodha Place, Lodha Group. Ladies and gentlemen, please put your hands together for all our best zone winners. अब मैं सारे विजेताओं, स्पीकर्स और प्रेजेंटर्स से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर अपनी ट्रॉफीज के साथ में आए एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। R.R. Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. Focus. Ideate. Innovate. Enable.